हेलो फ्रेंड्स आज हमको करनी है चैप्टर वन की एक्सरसाइज एक्टिविटी थ्री है स्टडी द फॉलोइंग कन्वर्सेशन प्रोवाइड द मिसिंग पार्ट इन योर ओन वर्ड्स नीचे ये जो कन्वर्सेशन दिया है उसके अंदर जो मिसिंग पार्ट है उसको आपको अपने शब्दों में पूरा करना है ओन वर्ड्स माना आपको अपने शब्दों में रोहन Hello Amita are you okay Amita hi rohan i am good i look a bit untidy because i cleaned school playground rohan oh so you were busy cleaning the school playground amita yes we started at 7:30 and finished it

जो आंसर हमने दिया है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर से ही निकल रहा है अमिता और रोहन बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा अनटाइड लग रही हूँ क्योंकि मैंने आज स्कूल का प्ले साफ़ किया रोहन तो बोलता है अच्छा आपने आज स्कूल का प्ले साफ़ किया वो कह कि हाँ मैंने सेवन से वन तक किया रोहन ने कहा ओ आई सी यू वर्क फॉर मोर देन फाइव आवर्स तो जैसा कि उसने यहाँ कहा कि मोर देन फाइव आवर्स तो हमने फाइव आवर्स से ज़्यादा का टाइम पाँच घंटे से ज़्यादा का टाइम यहाँ पे शो किया है सेवन थर्टी टू वन थर्टी है ना अब अमिता ने कहा कि येस बट वी इन्जॉयड इट आई एम गोइंग टू टेल माई मॉम दैट आई इन्जॉय क्लीनिंग द स्कूल प्ले ग्राउंड कि मैं अपनी मम्मी को बताने जा रही हूँ कि मुझे आज बहुत मज़ा आया स्कूल का प्ले ग्राउंड क्लीन करने में नेक्स्ट एक्टिविटी फॉर इमेजिन यू आर अमिता री राइट द कन्वर्सेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पैसेज फ्रॉम अमिताज पॉइंट ऑफ व्यू अब आपको ये इमेजिन करना है कि आप अमिता हैं और आपने और रोहन ने जो बातें की वो आपको अपने आप एक पैसेज की तरह लिखनी है आई मैट रोहन When I came home from school, he said hello and asked me how I was. I told him I was good. I also told him that I looked a bit untidy because I had cleaned the school playground. Rohan then knew that I was busy cleaning the school playground. I told him that we started cleaning at 7:30 in the morning and finished the work at 1:30 in the afternoon. Rohan was surprised because I had worked for more than 5 hours. I said I did work for more than 5 hours. But we enjoy it a lot. I also told him that I was going to tell my mom that we enjoyed cleaning the playground. हमने आज enjoy किया तो अभी हमने पैसे जब ये सेंटेंस कंप्लीट किए थे तो इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन भी बता दिया था मैंने सेम ही है एक्टिविटी फाइव नाउ आंसर द फॉलोइंग questions. टेक द करेक्ट आंसर्स इट इज़ बिलीव्ड दैट द फर्स्ट होम ऑफ द ऑरेंज वॉज ऐसा माना जाता है कि ऑरेंज का जो पहला घर है वो इंडिया यूरोप या साउथ ईस्ट एशिया तो आंसर हुआ आपका साउथ ईस्ट एशिया कंप्लीट द सेंटेंस इज नंबर वन फ्रूट्स बिगेन टू अपीयर आफ्टर थ्री ईयर्स जो ऑरेंज का ट्री है उस पर फ्रूट्स आना कब स्टार्ट होते हैं तीन साल के बाद सेकेंड द मेडिटेरियन ऑरेंज इज कॉल्ड ब्लड ऑरेंज एज बिकॉज इट्स पल्प इज डीप रेड इन कलर जो मेडिटेरियन ऑरेंज है उसको ब्लड ऑरेंज क्यों बोलते हैं क्योंकि जो अंदर से उसका पल्प होता है वो एकदम गहरे लाल रंग का होता है एक्टिविटी सेक्स Write about your favorite vegetable. Your composition should include information about the following. आपको अपनी एक फेवरेट वेजिटेबल के ऊपर लिखना है उस आप जो कम्पोजिशन लिखेंगे उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए डिस्क्रिप्शन किस चीज़ पे होना चाहिए टेस्ट साइज शेप और कलर उस वेजिटेबल का वेयर इज इट ग्रोन कहाँ उगती है इज़ इट अवेलेबल ऑल थ्रू द ईयर क्या ये पूरे साल मिलती है या फिर ओनली पार्ट ऑफ द ईयर या साल के कुछ महीनों में मिलती है हाउ डू यू लाइक इट कुकड प्रिपेयरड आप इसको कैसे बनाना पसंद करते हैं इन वॉट वे इज इट गुड फॉर योर हेल्थ और ये आपकी हेल्थ के लिए कैसे अच्छी है माई फेवरेट वेजिटेबल इज लेडी फिंगर भिंडी सब बच्चों को बहुत पसंद होती है ना भिंडी इट इज अ ग्रीन कलर्ड ऑबलोंग शेप्ड वेजिटेबल टैपरिंग एट द एंड विथ टाइनी सीड्स इन साइड इट इज ऑल्सो नोन एज ओकरा और गम्बो इट इज ग्रोन इन मार्च टू अगस्त सीजन इट इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन इन इंडिया उत्तर प्रदेश बिहार उड़ीसा वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका आई लाइक मसाला भिंडी फ्राइड भिंडी अब इसके बेनिफिट्स इट्स रिच इन मैग्नीशियम फॉलेट फाइबर Antioxidants and vitamin C, K1, and A. It helps control blood sugar, better digestion, builds immunity, better eyesight, helps in hair health. एक्टिविटी सेवन सम से हाउ समथिंग इज डन नीचे लिखिए ये डायलॉग है वो आपको कंप्लीट करने हैं अनर वॉज वि फार्मर वॉज शोइंग हिम अराउंड द फार्मी हैव द बिगेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड द फॉरेनर सेड प्राउडली प्राउड से हो गया प्राउडली Our oranges look like footballs. He continued loudly, loud say, loudly. What about banana then? The farmer asked curiously, curious say, curiously. They are as big as towers, replied the foreigner, quickly, quick say, quickly. As he was talking, एक्सीडेंटली एक्सीडेंट से बना एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली स्टम्बल्ड ओवर अ वाटर मैलॉन वक केयरफुली केयरफुल से केयरफुली द फार्मर रिमार्कड क्लेवरली क्लेवर से बना क्लेवरली यू जस्ट स्टेप्ड ऑन अ ग्रैफ इस स्टोरी में एक फॉरेनर है वो किसान से एक फार्मर से बात करके और अपने यहाँ की हर चीज़ बड़ा चढ़ा के बता रहा है वो बोल रहा है कि वी हैव द बिगेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड हमारे यहाँ वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े फ्रूट होते हैं फिर फॉरेनर एकदम ऐसे गर्व से प्राउडली गर्व से बोलता है कि हमारी जो ऑरेंज है वो फुटबॉल जितनी बड़ी होती है फुटबॉल जैसी लगती है और वो कंटिन्यू बोलता ही जाता है ज़ोर जोर से तो किसान उससे पूछता है व्हाट अबाउट बनाना देन तो वो बोलता है बनाना तो हमारे जैसे कोई टावर हो ना इतना बड़ा उतने बड़े बड़े होते हैं तब फॉरेनर जल्दी से मतलब ये जवाब भी दे देता है और अचानक एक्सीडेंटली वो एक वाटर से टकरा के गिर जाता है तो वो जो किसान होता है वो बोलता है कि वॉक केयरफुली ध्यान से चलो ये हमारा ग्रेप्स है वो भी अपना क्लेवरली यानी चतुराई से जवाब देता है कि अभी जो जिससे तुम गिरे हो टकरा के वो हमारे यहां का अंगूर है एक्टिविटी एट इसमें क्या बताया है? कि जो गॉड है उन्होंने हमारे लिए बहुत सी हर्ब्स दी है हमारे नेचर में हमारे आसपास प्रकृति में बहुत सी हर्ब्स हैं जिनसे कि हमारा इलाज हो सकता है तो आप लोग क्या करते हैं छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका घर में कोई इलाज करते हो मदर या ग्रैंड मदर के बताए अनुसार या जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको टेन टू ट्वेंटी लाइन्स में ये डिस्क्राइब करना है here are some remedies to help you remember number one clove oil for toothache dard ke liye long ka tel. once i had a lot of pain in my tooth at that time my grandmother told me that it would be cured by applying long oil and she put some long oil in cotton and told me to apply it on the painful area, I got relief in few minutes and I didn't have to go to the doctor. जब एक बार मेरे दांत में दर्द हुआ तो दादी माँ ने मुझे कॉटन पे लौंग का तेल लगा के दिया वो मैंने अपने दांत में लगाया और कुछ ही मिनटों में जहाँ मेरा पेन हो रहा था वो ठीक हो गया और मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा नेक्स्ट Hot soup for cold. Garam garam soup sardi ke liye. Once papa had a cold, then mom had made a hot soup. Father slept after drinking it, and when he woke up in the morning, he was feeling very good. पापा को जब एक बार सर्दी जुकाम हुआ तो मम्मा ने उनको गरम-गरम सूप बना के दिया और वो उसको पी के सो गए और जब वो सुबह उठे तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था नेक्स्ट रेमेडीज़ है आपकी मिंट लीव्स फॉर इंडाइजेशन मिंट लीव्स वी ऑल नो दैट मिंट लीव्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एनी इन्फ्लेमेशन इन अवर स्टमक माई फैमिली मेम्बर्स ऑलवेज यूज़ इट हमारी इन डायजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें वो फास्ट रिलीफ देता है एक्टिविटी नाइन नेचुरल कंजर्वेशन सेव द एन्वायरमेंट एनवायरमेंट को पूरी तरह क्लीन रखना एक बिग प्रॉब्लम है किंतु यदि हर एक एवरीवन अपनी जिम्मेदारी को समझे तो होल वर्ल्ड पूरा संसार एक साफ सुंदर स्थान बन जाएगा यहाँ कुछ स्टेप्स बताए हैं जिनको हमें फॉलो करके अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखने में मदद करनी है नंबर वन है आपका रिसाइकिल जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको फिर से कुछ और काम में लेके या उनसे कुछ नया बना के हम उनको रिसाइकल कर सकते हैं नंबर टू है आपका कंजर्व एनर्जी कम से कम ऊर्जा का प्रयोग करें एनर्जी हम वेस्ट ना करें जैसे हम बोलते हैं ना सेव इलेक्ट्रिसिटी सेव वाटर ये सब भी तो हमारे को नेचर से मिला है ना यूज़ अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करें जो कि हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं जैसे हम प्लास्टिक बैग्स के लिए बार बार मना करते हैं कि हमें उनका यूज़ नहीं करना चाहिए नेक्स्ट आपका है स्टे एक्टिव हमेशा आपको एक्टिव रहना है नंबर फाइव यूज़ बाइसिकल अगर आप बाइसिकल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आप फ़िट भी रहेंगे और हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी क्लीन रहेगा पॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम कम हो जाएगी हैव अ नेबरहुड क्लीन अप हमें अपने आसपास हमेशा सफाई बना के रखना है सेवन नंबर आपका है डोनेट टॉयज बुक्स सीडीज़ दैट यू डू नॉट वॉन्ट एनी मोर जो भी चीज़ आपको नहीं चाहिए आपकी टॉयज़ हैं आपकी बुक्स हैं आपकी सीडीज़ हैं वो आप किसी को डोनेट करें तो वो री यूज होंगी वापस एक्टिविटी टेन द एरिया अराउंड योर स्कूल हैज़ प्रॉब्लम ऑफ क्लिनलीनेस लाइक गारबेज डम्पिंग्स बैरन लैंड कच्चा रोड और ट्रैफिक इश्यूज़ फॉर्म ग्रुप ऑफ अर स्टूडेंट्स विद अ लीडर ईच एंड कंडक्ट अ कैंपेन टू क्लीन अप द प्लेस राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन आपके स्कूल के आसपास का एरिया है उसे आपको क्लीन कैसे रखना है है ना उसके लिए आपको एक ग्रुप बनाना है स्टूडेंट्स का और फिर एक कैंपेन करना है और फिर उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है अपनी स्कूल मैगजीन के लिए ओके नंबर वन वी द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ फॉर्म सिक्स ग्रुप्स विथ अ लीडर एंड कंडक्ट अ कैंपेन टू क्लीन अप द प्लेस नंबर टू द स्टूडेंट्स कंडक्ट द क्लीनलीनेस ड्राइव विद द हेल्प ऑफ स्कूल ऑथोरिटीज And local administration. Number three, the school authorities also imparted information to students on how to keep their environment clean. Number four, we not only cleaned the area but also collected the non biodegradable waste. Littered on the road. Number five, we also cleaned every nook and corner of the school premises. Number six, we were enthusiastic and determined to not just clean the area but also placed to keep it clean. एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ क्लीनलीनेस अमोंग अदर्स चैप्टर वन एक्सरसाइज कंप्लीट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ओके थैंक यू